यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता पर लंबे समय से बहस चल रही है। इस बीच ब्रिटेन ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। ब्रिटेन ने भारत के साथ साथ ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीकी प्रतिनिधित्व को भी इसमें शामिल करने का समर्थन किया है। ब्रिटेन ने कहा है कि अब समय आ गया है कि ये परिषद 2020 के दशक में प्रवेश करे और इसमें नए देशों को भी स्थान दिया जाए। हालांकि इससे पहले भी कई बार आपने देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग भारत की तरफ से उठाई जाती है। भारत की इस मांग के समर्थन में इस समूह में शामिल लगभग सभी देश करते हैं, लेकिन चीन हर बार संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो मौजूदा समय में यूएनएससी के स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस शामिल है। वहीं भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है। ऐसे में आज आपको ये समझना भी जरूरी है कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन जाता है तो भारत को इसका क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहले स्थायी सदस्य बन जाने के बाद भारत के पास वीटो पावर आ जाएगी। वीटो पावर के साथ ये प्रावधान है कि स्थायी सदस्यों में से एक सदस्य देश भी इसका इस्तेमाल करता है तो यूएनएससी में लाया गया कोई भी प्रस्ताव खारिज किया जा सकता है। ऐसे में भारत के स्थायी सदस्य बन जाने के बाद इसका सबसे बड़ा नुकसान चीन को होगा और कहीं न कहीं इसका प्रभाव पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कई पाकिस्तानी आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल होने से चीन रोक देता है। बाकी के चार देशों के द्वारा समर्थन मिलने के बावजूद भी चीन के द्वारा वीटो के इस्तेमाल किए जाने से कई पाकिस्तानी आतंकी बच जाते हैं और खुलेआम घूमते रहते हैं। चीन ने भारत पर बड़े आतंकी हमला करने वाले कई आतंकियों को यूएनएससी में बचाया है।